हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डियर सर। और आज मैं आपका दोस्त मौजूद हूँ आपके साथ हमारी सीरीज 5 वर्ष से 50 वर्ष के तीसरे पार्ट के साथ। जी, अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो गलती कर रहे हो। जो आई बटन आपके सामने आ रहा है उस पर क्लिक करें और जल्दी से वो भी देख लें। अभी बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो आज के टॉपिक में हमारा वर्ड है साइड, CIDE साइड। ध्यान से सुन लो, साइड हत्या करना। मीनिंग क्या होता है? हत्या करना, किसी का कत्ल कर देने को बोलते हैं साइड। साइड से याद आया, एक सिनोनियम की वीडियो भी बनी हुई है आपके लिए, वहां भी इन वर्ड्स के बारे में मैंने बता रखा है, वो भी जाके देख लो जरूर। ओके, अभी बात कर लेते हैं साइड की। साइड मींस क्या होता है? हत्या करना, याद हो गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड जो पहले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा डोमिनीसाइड। डोमिनीसाइड का मतलब होता है टीचर की हत्या करना। ओके, वर्ड अच्छा है लेकिन अप्लाई नहीं करना है कभी भी। ओके, तो डोमिनीसाइड का मतलब होता है टीचर की हत्या करना। अब डोमिनी मतलब होता है डोमिनेट से बना है, डोमिनेट करना यानी किसी पे हावी हो जाना। हावी मतलब जब हमें टीचर कोई पढ़ा रहा होता है वो हमें डोमिनेट करता है, वो हमें सिखाता है, हमें पनिश भी कर देता है। तो दैट्स वाई डोमिनीसाइड इससे रिलेटेड है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना है। डोमिनीसाइड मीन्स टीचर की हत्या। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैट्रिसाइड। मैट्री, मैटरनल अंकल, किसको बोलते हैं? मामा को बोलते हैं। तो ये मैटरनल वर्ड जो भी होता है ना, मैटरनल का मतलब ही होता है माता से, यानी माँ से रिलेटेड। ओके, तो मैट्रिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? माता की हत्या, यानी कोई अगर अपनी ही माँ को मार देता है उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जेनोसाइड। बहुत आसान है, जैनो किससे बना है? जनरेशन से। जनरेशन की ही हत्या कर देना यानी किसी की नस्ल ही खत्म कर देना, उसको बोलेंगे जेनोसाइड। क्या बोलेंगे? जेनोसाइड, नॉर्मल है। अगला वर्ड है हमारा मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी मैरिटी किससे बना है? मैरिज से, यानी अगर कोई स्पाउस, अब स्पाउस क्या होता है? स्पाउस मींस होता है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देता है तो उसे हम बोलते हैं मैरिटीसाइड। लेकिन ज्यादातर ये वर्ड कहां इस्तेमाल होता है? पति की हत्या के लिए, जो हर पत्नी करना चाहती है। ओके, मैरिटीसाइड क्या बोलते हैं? पति की हत्या। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, सरपेंटीसाइड। सरपेंटीसाइड, सर्प मतलब क्या होता है ये बताओ? नहीं पता? अरे पता है, सर्प मतलब होता है सांप। सर्प मतलब सांप, सांप की हत्या, नॉर्मल क्या बन गया? सरपेंटीसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, इन्फेंटीसाइड। ये तो बहुत इजी हो गया होगा अब आप लोगों के लिए। इन्फेंट किसको बोलते हैं? 12 महीने से जो कम उम्र का बच्चा होता है उसे बोलते हैं इन्फेंट। और इन्फेंटीसाइड क्या हो गया? उस बच्चे की हत्या कर देना यानी शिशु की हत्या। अगला वर्ड है फैटीसाइड, और इसके आगे लिखा है भ्रूण की हत्या। भ्रूण की हत्या को बोलते हैं फैटीसाइड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बताता हूं। चलो, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो फीटस है, ये जो फीटस की हत्या की जाती है, ये टॉपिक भी सोशल टॉपिक है और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो फैटीसाइड का मतलब क्या हो गया? फीटस। फैटीसाइड बना है फीटस से, तो फीटस होता है भ्रूण, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको बोलते हैं फीटस, उसकी हत्या को बोलते हैं फैटीसाइड। ओके, अगला वर्ड है हमारा एम्बिसाइड। एम्बिसाइड बोलते हैं दोस्त की हत्या। कोई है जो अपने दोस्त की हत्या करना चाहता है? आई होप कोई नहीं होगा ऐसा। तो एम्बिसाइड, एम्बिसाइड एमिकेबल वर्ड भी होता है कि भाई आप अपने जो फ्रैंक होना, किसी से दोस्ताना अंदाज में बात करना, उसके लिए वर्ड होता है एमिकेबल वगैरह। तो एम्बिसाइड उसी से बना है, यानी दोस्त की हत्या। अगला वर्ड है हमारा रेजिसाइड। रेजिसाइड, रेजिसाइड, रेज मतलब, वैसे बताऊं ग्रीक वर्ड है, उससे बना है, मीनिंग होता है राजा। लेकिन आपको ग्रीक व्रीक छोड़ो, हिंदी पे आओ, रेजी मतलब राजा। राजा की हत्या को क्या बोलेंगे? रेजिसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जर्मीसाइड। डिटॉल, लाइफ बॉय, क्या करते हैं? जर्मों का खात्मा कर देते हैं, कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं। जर्मीसाइड यानी जर्मों की हत्या, जर्मीसाइड। ओके, तो ये वर्ड भी हमने इजीली सीख लिया। आई होप आज के जितने भी हमने वर्ड सीखे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ कहना चाहते हो, कमेंट में कह सकते हो। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और फोर्थ पार्ट के इंतजार में रहें, क्योंकि फोर्थ पार्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने